हेलो गाइज, मैंने मिजांशु है आपका वेलकम मेरे चैनल पर। तो गाइज अभी मैं हूँ चारबाग स्टेशन पे और जा रहे हैं आज बरेली, क्योंकि नाना ने इनविटेशन दिया था कि वहाँ थोड़ा काम है, पूजा वूजा का थोड़ा है, तो वहीं चल रहे हैं। और आज डेट है भाई संडे है एंड डेट है 30 तारीख। ठीक है, तभी ट्रेन हम लोग की जो 8:03 त्रिवेणी एक्सप्रेस वो तो निकल गई है भाई हम लोग के जस्ट सामने से, बिकॉज ऑफ मम्मी, क्योंकि मम्मी दौड़ नहीं पाई और मैं तो पकड़ लेता, मैं तो एकदम फ्रंट डोर पे भी आ गया था, बट मम्मी नहीं पकड़ पाई। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब 9:30 बजे ट्रेन है तो वो आएगी तो उसको पकड़ेंगे। बाकी आ गए प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे, यहीं पे मिलेगी भाई। तो चलो वेट करते हैं अब। तो भाई अभी टाइम हो चुका है सुबह के 9:02 और ट्रेन अभी आने वाली है, जस्ट दिलकुशा कैबिन क्रॉस कर दिया है ट्रेन ने, तो मुश्किल से 2 मिनट और दिखा रहा है मोबाइल पे। तो अभी प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे है और 7 की मतलब बताया गया था कि 7 पे आ रहा, मोबाइल पे भी यही शो हो रहा है, तो देखते हैं। बाकी अगर चेंज हो गया प्लेटफॉर्म तो वहीं चले जाएंगे। बाकी वेट कर रहे हैं और जल्दी से भाई पहुंचना है, क्योंकि भाई त्रिवेणी एक्सप्रेस तो निकल गई, अगर उसमें होते तो भाई अब तक हम लोग शायद काकोरी वगैरह काफ़ी आगे निकल गए होते, मतलब हरदोई के थोड़ा पहले होते। तो बस यही है, चलो आती है तो बैठते हैं फिर। तो गाइस हमारी ट्रेन आ चुकी है पीछे, आप देख सकते हैं। और भाई पूरा स्टार्टिंग से हम लोग वहाँ से लेकर के जहाँ से इंजन होता है वहाँ से लेकर के पूरा एंड तक आ चुके हैं, लेकिन एक भी भाई जनरल डब्बा नहीं मिला हमें, तो काफ़ी मतलब दिक्कत वाली बात है। और अभी एक ये महिला डब्बा मिला है, जिसमें कि हमने सर से पीछे जो गार्ड या अंकल जा रहे हैं इनसे पूछ के हम लोग बैठ गए। हमने कहा भाई कि जनरल डब्बा है नहीं तो हम बैठें कहाँ पर, तो उनने कहा ठीक है बैठ सकते हैं, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, चलो बैठते हैं अब अंदर। तो भाई अभी हो रहा है डिपार्चर और देख सकते हो ट्रेन अपनी चल दी है, पहुँच चुके हैं सीधा बरेली जंक्शन और अभी सीधा उतरे हैं। और मैंने बीच में कोई भी मतलब वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि भाई काफ़ी लंबा ब्लॉग हो जाता है। तो अभी यहाँ पहुँच गए, भूख लग रही बहुत तेज़, तो कुछ खाते पीते हैं और फिर सीधा निकलेंगे वहाँ गाँव के लिए। ठीक है चलो। तो भाई यहाँ पर आ चुके अपना छोला चावल और खाते हैं फिर निकलते हैं। अभी इन लोग को यहाँ पर भाई पेड़ पर घुमाने के लिए लेके आ चुके हैं और ये देखो देख रहे हो सब लोग, मतलब एकदम फोटो वोटो यहाँ पे क्लिक हो चुकी है। और मैं जैसे ही भाई आया तो तुरंत इन लोगों ने बोल दिया कि भाई लेके चलो, और डंडा अपने साथ है भाई, क्योंकि रात का टाइम है और इतने लोगों की सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी है। तो चलो और कुछ करना है, खेत सुबह घूम के आएंगे, चलो सुबह घूमना फिर। तो भाई यहाँ पर देखो मिठाई विठाई चल रही है और टाइम हो गया है 9:11 देख सकते हो, और यहाँ पे काफ़ी सन्नाटा हो चुका है। और ये देखो मिठाई भाई, और आप सब भी खा सकते हैं और अंदर का भी आपको सीन दिखा दें या ना दिखाएं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक बार यहाँ पे पहले यहाँ पे भाई भाई दोस्त देख लो, और ये देखो कार्तिक आ गया दौड़ते हुए, ये देखो ये क्या चल रहा है, ये देखो भाई दूज मौसी ने पहले करके रख ली थी क्योंकि दूर थी, तो अभी यहाँ पे दे रही है, ये देखो बहुत बढ़िया, बहुत सही बहुत सही। चलो अब अंदर का सीन दिखाते हैं, ये देखो ये भी आ गई, ये देखो रसगुल्ला इसने उठा लिया। और एक और सीन दिखाता हूँ मैं आपको, मुंह खुला भाई मुंह खुला है, सो रहा है पागलों की तरह। तो भाई ये है अपना डे टू एंड देख सकते हो टहल रहे हैं फालतू में बस खेत में, और आगे ये लोग सारे पागल और हम लोग की वजह से ये लोग आगे जा रहे हैं, वरना इनमें इतना दम कहाँ, ये लोग आगे चले जाएं, दम निकल गई, बैठ गए, हालत पंचर हो गई है इन लोगों की। हम लोग इतनी दूर तक आए, देखो वहाँ इतनी दूर से आए, देखो हम लोग तो इतना भाई अभी घूम फिर के आए, गांव में घुस गए थे पूरा घूम के, पसीना देख के आप समझ सकते हो, तो पूरा घूम के आए और गर्मी तो पड़ ही रही है। तुम लोग क्यों नहीं आ रहा पसीना, हम बता कितनी दूर हो क्या है पता भी नहीं है, तो देव होके आए हो जो बना नहीं है अभी तक वहाँ।